अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आपसे पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे वॉलनट की हलवा भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पंजीरी है जो मैं हंसा गई थी जब ट्रिप पर, तो मैंने वहाँ से ये सीखा था। और जब मैंने उनसे सुना तो मुझे लगा ये तो पंजीरी है हमारी वाली, लेकिन ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, दरअसल उनकी रेसिपी है। तो उनसे इंस्पायर होकर ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सर्दियाँ है तो पंजीरी तो बनती है बनाना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सेमोलिना यानी सूजी, और ये है शुगर, और उसके साथ हमारे पास कार्डिमम, और हमने वॉलनट का पाउडर लिया है, और उसके साथ 1 एग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये है वॉलनट पाउडर, उसके साथ 1 एग, उसके बाद ये सेमोलिना, और उसके बाद हमारे पास है शुगर। तो लेट्स स्टार्ट, अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका था, और यहाँ मैं डाल रही हूँ कार्डिमम ऑयल में। ऑयल में पहले मैंने कार्डिमम डाला गरम ऑयल में, उसकी थोड़ी सी स्मेल आने लगी। देन मैंने सूजी डाला, और इसमें हमारी सूजी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सेमोलिना फ्राई हो रही है, थोड़ा सा हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो है ये इसमें थोड़ा सा इसका जो ऑयल है ये भी अब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से। फुल स्लो फ्लेम रखनी है आपने, अराउंड 10 मिनट्स। आजकल कानिया में काफ़ी सर्दी है, तो चाय के साथ सूजी के साथ में चाय भी बना रही हूँ अपने लिए और मामा के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बिल्कुल जो चीनी थी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, और ये बिल्कुल इसकी एक चिड़ सी बन गई है यहाँ पर, और बिल्कुल चीनी नज़र नहीं आ रही, मिक्स हो चुकी है चीनी के दाने। यहाँ मैं अपने वॉलनट्स के जो पाउडर है वो ऐड करूँगी स्लोली स्लोली। तो फ्रेंड्स, ये हंसा से इंस्पायर होकर ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी हम भी बनाते थे ये पंजीरी, लेकिन वो इस तरह की होती थी कि उसमें वॉलनट की मकदार थोड़ी सी कम होती थी। और जब मैं हंसा गई और मैंने उनकी रेसिपी देखी और ट्राई की तो काफ़ी टेस्टी थी, और उसमें वॉलनट की मकदार काफ़ी ज़्यादा थी। लाइक आज मैंने जिस तरह से वॉलनट डाले हैं, तो आज मैं बिल्कुल हंसा की पंजीरी बना रही हूँ आप सबके लिए। आप सब घरों में ट्राई करें, सर्दी है और आप इसे 15 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं चाय के साथ, या कभी मेहमान आ जाए तब भी खा सकते हैं। तो ये है वॉलनट जो हमने रखे थे साइड पर, पहले वाले हमने डाल दिए, वो मिक्स हो गए। देन हम अभी ये वाले डाल रहे हैं, और इसे भी स्लोली स्लोली हम मिक्स कर रहे हैं साथ साथ। फ्रेंड्स, आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस आप मेरी लाइक करते, तो प्लीज़ इसको भी करें, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग फिर भी नहीं करते, तो प्लीज़ इस बार करें। मेरी वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ आपने अपनी पंजीर को इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। हमारी चाय भी पकी चुकी है, और मैं उसमें दूध डाल रही हूँ। पंजीर के साथ चाय ना हो तो फिर क्या हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पंजीरी बन चुकी है, काफ़ी अच्छी खुशबू है कार्डमम की। और अभी हम इसे डालने वाले हैं इस प्यारे से प्लेट में, और फिर हम सर्व करेंगे अपने मामा के पास, लेके जाएंगे चाय के साथ, और हम सब मिलके इसे खाएंगे। तो वीडियो को देखते हुए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी रेसिपी है। काफ़ी मतलब इस तरह से, मतलब मैं कह रही हूँ कि अच्छी रेसिपी है, आप 15 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं इसे। तो प्लीज़ बनाएं इस रेसिपी को और टेस्ट करें, आप दोबारा दोबारा बनाएंगे। तो वीडियो को देखते हुए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।